हाय गाइस, अभी दिन के 6 बज रहे हैं। अभी आर्या सो रहा है और मैं रात भर सो नहीं पाया। सोने का कारण था मेरा कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा था, काम ही नहीं, वर्क ही नहीं कर रहा था। इसलिए वजह से मैं अच्छा से सो नहीं पाया। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ और एडिटिंग का भी काम हमने मॉर्निंग में ही किया, 3 बजे मॉर्निंग में तो जाके एडिट हुआ। और रात को जो है हमने अपडेट करने में ही सिस्टम को पूरा रात जो है ये कर दिया। 1 बजे मैं रात को सोया और 3 बजे फिर मैं जाग गया। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम विक्रम को साइकिलिंग सिखाएंगे क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे साइकिल सीखना है। और आज के डेट में वो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो साइकिल सीखना तो मस्ट है क्योंकि जरूरी है मदरा की ज़िंदगी में। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय में फ्रेश होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ तालाब पर क्योंकि अभी विक्रम जो है सो रहा था। तो उसने बोला था बाकी साइकिल सीखने के लिए, चलाने के लिए। तो अभी सो रहा था इसलिए मैं सोचा कि दाना देने का टाइम हो गया है, तो मैं तालाब पर आ चुका हूँ। और देखिए मेरे पीछे अब एक झोला नज़र आ रहा होगा, बैग जिसको बोल रहे हैं, उसमें दाना है और मछली भी व्याकुल है खाना खाने के लिए। तो मैं उसको दाना देने के बाद जो है मैं यहाँ पर रुकूँगा नहीं, आज आधे घंटे एक घंटे के बाद मैं चले जाऊँगा क्योंकि उसको दिखना है विक्रम क्या बोलता है। विक्रम अगर सो रहा होगा तो कोई नहीं, शाम को उसको साइकिल सिखाएंगे। और यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, देख सकते हैं आप हमारे पीछे, पीछे वाला ब्लॉग में भी हम ये सब कवर किए थे। तो एक ही सीन को क्या दिखा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तालाब है, इसमें है नया कुछ लगा है रिटर्निंग मारने के लिए। इस पानी में जो है रिटर्निंग मारा जा रहा है कि देख सकते हैं ये मोटर जो है, ये मोटर नज़र आ रहा होगा आपको, ये रिटर्निंग मारेगा, इसमें इसी का पानी इसी में गिरेगा क्योंकि इसका पानी जो है ग्रीन हो चुका है, मतलब हरा हो चुका है। काई जिसको बोलते हैं, काई लग रहा है। तो काई जब लग जाता है ना तालाब में तो मछली को ऑक्सीजन लेने में परेशानी होता है। तो ऐसे में मछली को प्रॉब्लम होता है और वो मर सकती है या फिर तनावग्रस्त हो जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो अभी देख सकते हैं दाना खाने के लिए इस पर भी व्याकुल है, उछल रहा है। मैं जूम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हैंड से पकड़ने में प्रॉब्लम होता है। और वो आप देख सकते हैं रिटर्निंग मारने के लिए मोटर सेट किया गया है। और वो पीछे आप देख रहे होंगे वो पानी चल रहा है, वो हमेशा ऐसे ही ऐसे चलते रहता है। एक सबमर्सिबल था वो जो कि जल चुका है, उसके जगह पर ओपन मोटर जो है उसको सेट करना पड़ा है। फिलहाल ऐसे ही चला रहे हैं, उसके बाद जब वो सबमर्सिबल वाला जो है बन जाएगा तो फिर इसको हटा लेंगे। इसमें भी रिटर्निंग मारने के लिए हो जाएगा बरसात के मौसम में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट, अभी आपसे दाना खिलाने के बाद मैं घर पर जाऊंगा, विक्रम को उठाऊंगा, वहां से उसको साइकिलिंग सिखाने का आज करना है, साइकिल सिखाना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। विक्रम बोला था कि हम साइकिल सीखेंगे। आप देखिए साइकिल सीखने के नाम पर आया है तो इधर धूम मचाए हुए है, तालाब में नहा रहा है। अब बोल रहा है कि शाम में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है रवि कुमार और मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग। तो चलिए ओपन करते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या है। तो मैंने एक ले लिया है सीजर और ये है मेरा प्रोडक्ट। इसको ओपन करेंगे। और
यह है वो प्रोडक्ट जिसमें यह लिट्टी बनाने का जो है प्लेट कहिए या साचा कहिए, यह साचा है, साचा ही बोलेंगे इसको। इसमें आटा गोद करके डाल दिया जाता है और इसमें सत्तू ये सब डाल करके भर करके इसमें एक लिट्टी तैयार किया जाता है। इसमें देख लीजिए कितना साँचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक बार में आप 11 लिट्टी इसमें भर पाइएगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने इसको परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। इसमें आप साइन अप देख लिए होंगे साइट पर, तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको परचेज किया था। तो ये प्रोडक्ट आप कमेंट करके बताइएगा और आप जब भी परचेज कीजिएगा फ्लिपकार्ट से तो आप रेटियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बैक साइज है जो कि सांचा है ये, और ये फ्रंट साइज है, ठीक है, ये फ्रंट साइज है। तो चलिए मिलते हैं किसी और अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।
आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, तो यहाँ पर शूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मेरा भी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। और ये आ रहा है तो साउंड इतना साउंड है, इतना शोर है कि यहाँ पर शूट करने में मतलब आवाज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं सोचा कि वहाँ से हटके मैं दिखाऊँगा आपको, तो फिर भी यहाँ भी तो साउंड है ही, बस वहाँ से कुछ बहुत कम है। अब यहाँ पर कुछ भी हम बोलेंगे तो कवर करेगा कैमरा। तो गृह प्रवेश था, कोजिन ब्रदर है, फुफरा भाई लगेंगे, तो इनका गृह प्रवेश था। हाल ही में पिछले ब्लॉग में हम आपको कवर किए थे, नेक्स्ट वीडियो जो सामने हम लोग दिखाए थे, यहाँ पर आप हमको सामने जो ये देख रहे होंगे ये वाला बिल्डिंग व्हाइटनेस का, तो उसमें आपको उसमें नेक्स्ट ब्लॉग जो बनाया था गृह प्रवेश वन का, उसी का था। मंटू का लगने से क्या होगा, घर है तो लगेगा नहीं। मंटू भैया भी यहीं हैं, मंटू भैया भी यहीं पर है, इसी घर में है, ठीक है। पानी पियेंगे अंदर घर में, पानी पियोगे तो यहाँ भी पानी होगा, जाओ मांगो ना, पानी पियोगे। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि जो गृह प्रवेश हो रहा था, तो वो मेरा वो भी कोजिन ब्रदर थे, जो चाचा काका का लड़का बोला जाता है, कोजिन टाइप ब्रदर थे। तो उनका ब्लॉग में हमने ब्लॉग में हमको शूट करके दिखाए थे। ये जो है फुफेरा भाई हुए कोजिन ब्रदर, ठीक है। इनका 2 साल से काम में मकान में काम लगा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से जो है बहुत सारा हमेशा से तो लॉकडाउन शुरू से ही चलते आ रहा है, तो बाधित था। अब जाके फाइनली हुआ है, तो यहाँ पर गृह प्रवेश किया जा रहा है। वैसे मैं अंदर जाके सीन दिखाऊंगा आप लोगों को कि अंदर क्या है नहीं है, किस टाइप का बना हुआ है, लेकिन अभी लगता है कि नीचे फर्स्ट फ्लोर जो है नीचे वाला ही मतलब बना है, ऊपर वाला अभी काम चल रहा है, कुछ समय के बाद काम लगेगा। चलिए यहाँ का अपडेट हम देते रहेंगे, फिर घर के जाने के बाद हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए देहाती गीत का आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि देहात से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो इस टाइप का सॉन्ग बजेगा, गीत होगा ना। तो अभी साउंड कुछ कम हुआ है,